तू आए या ना आए तेरी खुशी, हम तो बस आस लगाए बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के रिलेटेड बीसीसीआई का ऑफिशियली स्टेटमेंट तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, लेकिन उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो धूल मिट्टी गर्दो गुबार हवा में उड़ रहा था, बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ रहा था। चंद बारिश के कतरे पड़े, जहां के थे वहीं पर आकर बैठ गए, क्योंकि औकात जहां की है वहीं पर पहुंच गए वो लोग। मीडिया पर हाइप क्रिएट की जा रही थी, पता नहीं ये कौन से सोर्स थे इनके पास, कौन सा गांजा इन लोगों ने फूका हुआ था कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, कौन से सोर्स थे इनके पास। बीसीसीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये क्लियरली बता दिया गया है कि कोई भी बीसीसीआई की तरफ से ऐसी रिपोर्ट नहीं दी गई। वी डू नॉट नो विच सोर्स गिवन सच इन्फॉर्मेशन, बीसीसीआई हैज नॉट पुट आउट एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडिया नॉट विजिटिंग पाकिस्तान फॉर द चैंपियन ट्रॉफी, बीसीसीआई प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला। बीसीसीआई कौन है, बीसीसीआई कौन होता है कि ये फैसला करे कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। बीसीसीआई के पास कोई भी पावर नहीं है, ये सारी की सारी पावर इंडियन गवर्नमेंट के पास है। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी तो इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रैवल करेगी, अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो इंडियन टीम पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं आएगी। इंडियन गवर्नमेंट ना तो बीसीसीआई का सोच रही है, ना ही वो आईसीसी का सोच रही है। इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ अपने बारे में सोच रही है कि हमारा किस चीज़ में फ़ायदा है, इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजकर उसमें फ़ायदा है हमारा, ना भेजकर फ़ायदा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात करना भी फजूल है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के आगे आईसीसी रिक्वेस्ट करे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिक्वेस्ट करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे भैंस के आगे बीन नहीं बजाना वैसी सेम सिचुएशन है। उन लोगों को कोई भी परवाह नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट पे ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, कुछ भी कर लो इंडियन टीम नहीं जाएगी, उन लोगों को अफवाहों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन मीडिया से भी नहीं डरती, जो दिल में आता है वो ही करती है। इंडियन मीडिया को तो वो अपने इशारों पर नचाती है कि आपने ये ऐसा डांस करना है। आप लोगों को साफ पता चल रहा होगा सोशल मीडिया पर कैसे मोदी कैसे मीडिया को कंट्रोल किए हुए है, कैसे लोगों का माइंड चेंज करता है अपने फायदे के लिए। वो फिर पाकिस्तान का फायदा नहीं सोच कैसे सोचेगा जो अपनी अवाम का फायदा नहीं सोच सकते। दोस्तों ये इतना भी इजी नहीं है जैसे इंडियन मीडिया आपको शो करवा रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं ट्रेवल करेगी, और ये इतना इजी भी नहीं है कि पाकिस्तान इस कॉन्फिडेंस से पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा था कि इंडियन टीम बिल्कुल पाकिस्तान आकर खेलेगी। दोनों की ये जो स्टेटमेंट दिया है राजीव शुक्ला ने, दोनों के मीडिया पर तमाचा था ये कि अपनी अपनी राय तो आप दे रहे हो, लेकिन सोर्स से कंफर्म तो ये कर लेते कि ये बात सच भी है कि नहीं है, बस दुकान चमकानी है अपनी। उसके लिए चाहे हमें झूठ बोलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें सिर्फ अपनी चैनल के टीआरपी को ऊपर लेकर जाना है। झूठ की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी, लेकिन जितना मिर्च मसाला होगा उतना ही न्यूज़ बिकेगी। थोड़ा बहुत अपने दिमाग का भी इस्तेमाल नहीं करना भाई। इंडियन मीडिया ये कैसे कंफर्म कर सकता है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, और ना ही पाकिस्तान मीडिया ये कंफर्म कर सकता। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस बार कट्टी कट्टा निकल ही जाना चाहिए। अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आकर नहीं खेलती तो पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा, ये तो आप लिख कर ले लो। ये बार बार ये लॉलीपॉप नहीं बिकेगा मार्केट में कि आप लोग समझो कि 2026 में पाकिस्तान टीम आकर खेल जाएगी इंडिया में, अगर इंडियन टीम ना ही पाकिस्तान में, तो ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। फिर क्रिकेट कहाँ स्टैंड करेगी? आईसीसी बड़ा वो कर रहा है ना कि आईसीसी ने अपनी दुनिया बनाई हुई है, यूएसए में इस बार वर्ल्ड कप करवा दिया, इतना गंदा टूर्नामेंट करवाया, इस तरीके का सबसे बुरा टूर्नामेंट हो गया ये। बेशक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन ओवरऑल आप जितने भी क्रिकेट बोर्ड से आप ओपिनियन लोगे ना, तो वो यही कहेंगे कि सबसे गंदा टूर्नामेंट इस बार का हुआ है जो यूएसए में करवाया है। आईसीसी का मानना है कि क्रिकेट को और ग्रो किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कंट्री में खेला जाए, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड यही चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडिया का नाम लिया जाए और किसी भी टीम का नाम ना लिया जाए। और एक दिन ऐसा होगा जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई ने पीसीबी से पंगा लिया हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पंगा लिया हुआ है। आज तो एक कंट्री है ना, कल को अगर ये कंट्री साइड पर हो जाती है, मैं तो कहता हूँ एक बार हो ही जाना चाहिए, जो नफा नुकसान होगा वो देख लिया जाएगा, किसी के बगैर टूर्नामेंट भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इंडिया के बगैर नहीं होगा, कि इतने करोड़ का नुकसान हो जाएगा,
एक बार ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इंडियन टीम नहीं आती तो कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, बस मीडिया पर ये छोटे से मीम्स बन जाएंगे, वीडियो क्लिप बन जाएगी कि हमारे बार इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान नहीं होगा, फिर क्या हुआ? क्रिकेट तो कायम रहेगी ना, आज नहीं तो कल को ग्रो तो हो जाएगी ना, लेकिन एक क्रिकेट फैन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जो कंपटीशन इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान के मैच में देखने को मिलता था वो दूसरी टीम्स के साथ वैसा नहीं माहौल होता, ना स्टेडियम में वैसे होता है, ना क्रिकेट फैन की सोच वहां तक पहुंचती है जैसे इंडिया क्रिकेट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में होता है। पाकिस्तान का पूरा मीडिया, पाकिस्तान के क्रिकेट फैन यही चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान आकर इस बार चैंपियन ट्रॉफी खेले। आप लोग यकीन करो, वेलकम देखना पाकिस्तान जितने भी क्रिकेट के फैन है विराट कोहली का कैसे वेलकम करते हैं। शाहिद अफरीदी ने कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, वो एक क्रिकेटर है ना, वो अच्छे से समझता है पाकिस्तान के फैन बेस को, अच्छे से वो बहुत ही अच्छे से समझता है। वो क्या उसका कहना था शाहिद अफरीदी का कि विराट कोहली सिर्फ एक बार चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आ जाए। आप यकीन मानो पूरा स्टेडियम विराट कोहली कर रहा होगा, बेशक स्टेडियम में मौजूद हो बाबर आजम, चाहे जितने बड़े बड़े मर्जी खिलाड़ी हो, लेकिन विराट कोहली इंडियन लोगों को भूल जाएगा जब वो पाकिस्तान आएगा, ऐसा वेलकम करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट फैन। अजहर महमूद का भी ये कहना था कि विराट कोहली जब लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेल रहे होंगे, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का जो मैच होगा, पाकिस्तान के ज़्यादातर फैन विराट कोहली की शर्ट पहन कर आएंगे, ग्रीन शर्ट होगी लेकिन पीछे लिखा होगा विराट 18, यानी विराट कोहली को वो सपोर्ट कर रहे होंगे, इतना ज़्यादा क्रेज है विराट कोहली का पाकिस्तान में। लेकिन पॉलिटिशियन उनकी ये कभी भी होने नहीं देगी ना, ऐसा लग रहा है। इसी को कहते हैं दिस इज़ अ बिजनेस, पॉलिटिशियन पार्टी वही काम करेगी जो उसकी पार्टी के हक में बेहतर होगा। इंडियन क्रिकेट फैन की क्या ख्वाहिश है, क्या वो सोच रखते हैं, उन लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मीडिया पर लॉलीपॉप ज़रूर बेचा जाता है कि बॉर्डर पर उनके जवान को मारा जा रहा है, लेकिन आप पिक्चर उनकी भी देख लें और पिक्चर पाकिस्तानियों को भी देख लें, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आएगा। जवान कहीं का भी हो, चाहे हो इंडिया का चाहे हो पाकिस्तान का, एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। ये जो बॉर्डर पर गेम खेली जा रही है, असल में ये पॉलिटिशियन पार्टी सच को छुपा रही है। सही मानों में अगर सामने रखें, जाहिर बात है एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती, कुछ ना कुछ जरूर हुआ होता है जिस वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। चलो एक मिनट के लिए ये मान भी लिया जाए कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती, हाइब्रिड मॉडल कहीं भी हो रहा हो, चाहे दुबई में, हांगकॉन्ग में, ओमान में, कहीं पर भी हो रहा, श्रीलंका में, फिर वहां जाकर पाकिस्तानियों से क्यों खेलते हैं? फिर वहीं से भी बॉयकॉट करो, खत्म करो ये कहानी, बिल्कुल खत्म करो, ये होना ही नहीं चाहिए। ये हर बार लॉलीपॉप नहीं चूसा जा सकता कि भाई पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना। हाँ, पाकिस्तान चला जाए इंडिया में खेलने के लिए, लेकिन इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आए। आईसीसी को और बीसीसीआई को ये थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए, पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलना आईसीसी के इवेंट में, आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट है, तो कितना बड़ा लॉस होता है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होता है वो एक तरफ होता है, बाकी सारे के सारे मैचेस एक तरफ होते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होता है उसमें ही ज़्यादातर रेवेन्यू आईसीसी इकट्ठा करता है। कुछ सोर्स का मानना यह है कि 70% एक तरफ होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से 70% रेवेन्यू आईसीसी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से कमा लेता है, और बाकी जो 30% है वो सारे मैच मिलकर कवर करते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाओ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होता है कितनी इंपॉर्टेंस रखता है आईसीसी के लिए भी और दोनों क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। लेकिन दोनों क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इस बात पे आमादा नहीं कर सकते अपनी गवर्नमेंट को कि क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, जो आपके बच्चे हैं फ्यूचर जो क्रिकेट टीम में खेलते हैं उन लोगों का कितना बड़ा लॉस हो रहा है कि हमारा फ्यूचर ही क्रिकेट में है, लेकिन इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी पार्टी का जो फ़ायदा होगा, फ्यूचर किस में है इंडियन गवर्नमेंट का, वो उस चीज़ को देखेंगे ना, वो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, ना बीसीसीआई की तरफ देखेंगे, ना वो आईसीसी की तरफ देखेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही भला देखेंगे, अपनी ही दुकान चमकाएंगे, अपना ही चूरन बेचेंगे, अपने ही वाम को बेवकूफ़ करेंगे। दोस्तों इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, मैं भी मानता हूँ आप लोग भी मानते हो कि सारा करता धरता जितना भी प्लान है ना आईसीसी का है ना बीसीसीआई है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इंडियन गवर्नमेंट है। अगर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट में गिने चुने तो नाम है जो इस चीज़ के अगेंस्ट है, ज़्यादातर आपको नहीं लगेंगे लेकिन कुछ गिने चुने हैं जिन्होंने अपने ही जड़े वो मीडिया पर लगाई हुई हैं, इस काम पर छोड़े हुए हैं कि आपने हमारी बात करनी है, फ्रंट पर हम नहीं आएंगे लेकिन बात हमारी चल रही होगी,
इंडियन गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिटिशियन है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या इंडियन गवर्नमेंट इस बार इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजेगी या नहीं भेजेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।